हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है व्हाट्सएप ट्रिक को लेकर के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे जो है ऑलरेडी एक जो है गिवे चल रहा है जो कि है पेटीएम कैश गिवे। तो जल्दी जाइए, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और गिवे पार्टिसिपेट कीजिए और जीती है पेटीएम कैश। तो हेलो मिस्टर मिस्टर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मिस्टर अरुण बल्खी। हाँ तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना, ये जो वीडियो है वो एक व्हाट्सएप ट्रिक को लेकर के, और ऐसी ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ट्रिक है। क्योंकि इस वीडियो में जो है मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप जो है अपने सामने वाले पर्सन को कुछ भी मैसेज वगैरह, वैसे तो आप भेजते ही हो, लेकिन आप कुछ भी अगर फोटोज़ वगैरह कुछ भी सेंड करते हो तो उसमें जो है पासवर्ड मांगेगा उसको देखने के लिए, और वो पासवर्ड आप जिसको चाहो उसको बता सकते हो, वही सिर्फ उस फोटो को देख पाएगा। तो ये जो ट्रिक है स्पेशली जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए रहेगी, और हाँ, लेकिन बाकी लोग ये ट्रिक यूज़ करके अपने फ्रेंड सर्कल में जो है थोड़ा इंप्रेशन जमा सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने प्ले स्टोर में जाना है, गूगल प्ले स्टोर में जा करके आपको सर्च करना है इमेज टू PDF। तो मैंने यहाँ पे जो है सर्च किया इमेज टू PDF। तो यहाँ पे जो है सर्च करने के बाद यहाँ पे जो सेकंड जो एप्लीकेशन आ रही है वही है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाली एप्लीकेशन जो है मैंने ऑलरेडी जो है डाउनलोड कर रखी है, देख लीजिए ये इसका लोगो है। तो मैंने जो ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली जो है एप्लीकेशन है, तो उसको मैं जैसे ओपन करता हूँ, तो इस एप्लीकेशन को जो जैसे इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ प्लस का आइकन है, प्लस का आइकन पे ओके करके आप जो गैलरी या कैमरा दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं गैलरी में से फोटो सेलेक्ट करता हूँ, तो जैसे मैंने फोटो सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे जो है आपको ऊपर एक बीच वाला जो सेंटर है इस पर ओके करना है। यहाँ पे जैसे पासवर्ड वाला सेक्शन मांगा, तो पासवर्ड को जो आपको जो इनेबल करना है, ठीक है, पासवर्ड इनेबल करें। जैसे मैं कुछ भी पासवर्ड रख देता हूँ 1 2 3 4 5, और उसे ओके किया। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें जो आपको जो है फाइल नेम डालना हो, तो एक्चुअली जैसे मैं फाइल नेम डाल देता हूँ कुछ भी 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जब जैसे मैंने जो है फाइल नेम डाल दिया, और यहाँ पर जो शेयर के आइकन पर जैसे आप ओके करोगे, तो यहाँ पर जैसे व्हाट्सएप आ रहा, व्हाट्सएप मैंने ओके किया और मैंने जो है ये सेंड कर दिया, ठीक है, ये सेंड कर दिया। आप जैसे मैं दूसरे वाले फ़ोन में, जैसे मेरे मैसेज आ गया, ठीक है, तो दोनों फ़ोन की जो स्क्रीन आपको जो है साइड में दिख रही है, तो जैसे दूसरे वाले फ़ोन पर जैसे मेरे को मैसेज रिसीव हुआ, और आप जैसे इसे मैं ओपन करता हूँ, तो इसमें देखिए पासवर्ड, और पासवर्ड में अगर कुछ भी लगा रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो यानी कि आप जिसको आपने, जैसे आप कुछ भी फोटो सेंड करते हो, फोटो सेंड करने के दौरान आप जो है नीचे कमेंट नीचे जो है मैसेज टेक्स्ट करके पासवर्ड भी लिख सकते हो, जिससे जो है उनका जो भी पासवर्ड रहेगा वो पासवर्ड एंटर करके उस फोटो को जो है शो कर सकता है, ठीक है, देख सकता है, और अदरवाइज़ जिसको पासवर्ड नहीं पता वो नहीं देख पाएगा। तो ये ट्रिक जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, मैं भी जो है कभी कभी ये ट्रिक यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।